हेलो फ्रेंड्स, आज इंस्टेंट ढोकले का वीडियो बनाने वाली हूँ। तुरंत अगर नाश्ते का मन हो ऐसे मानसून में तो आप ये ढोकला बना सकते हैं। ये मैं आपको इसमें मेजरमेंट करके बता रही हूँ। बेसन, ये मैं 200 ग्राम बेसन ली हूँ। ये 200 ग्राम में बेसन में मैंने ये 2 टेबलस्पून दही लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक पेस्ट भी आप ले सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक, और इसको गर्म पानी में अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे। घोल अपना देखना है कितना बनता है, घोल गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। इसमें आप कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले से एक ट्रे को तेल लगा के ग्रीस करके रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से इसको रखना है, पतला नहीं करना है ना गाढ़ा करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें ये एक पाउच जो 5 रुपये का आता है इनो, ये इसमें डालेंगे। और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा एक बूंद पानी भी डालेंगे इसके ऊपर, इस तरह से ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं तो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। बस हमको अब देरी नहीं करना है। आज मैं आपको माइक्रोवेव में ये 5 मिनट वाले ढोकले बताने वाली हूँ। और इस पर इस तरह से जो मेरी ग्रीस लगी हुई जो ट्रे थी इसमें डाल देंगे, इस तरह से इसको टैप करके हम ओवन में इसको चढ़ा देंगे। इसमें मेरा ऑलरेडी 5 मिनट्स का सेट किया हुआ है, 24 में मेरे ढोकले सेट किए हुए हैं इसमें। नहीं तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी बना सकते हैं, वो एक वीडियो में बनाने वाली हूँ। ये देखिए मेरा ढोकला सेट किया हुआ है, यहाँ पे एंटर करूँगी और स्टार्ट करूँगी। ये 5 मिनट्स का मेरा रेडी है इसमें टाइमर। जब तक हमारे ढोकले हो रहे हैं हम यहाँ पे तड़का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली, गैस थोड़ी सी मेरी तेज है, और ये 1 चम्मच तेल, थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और ये मीठा नीम और राई मैंने इसी में डाल दिया है। इसको अच्छे से हिला लेंगे, थोड़ी सी हींग 1 चिमटी, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। आधा, अब जैसे 200 ग्राम का एक कटोरी पानी 200 ग्राम बेसन में, और ये मैंने ये 2 चम्मच शक्कर ली है, इसको डाल देंगे। इसको अच्छा बॉइल्ड होने देंगे और हमको इसको ढोकले के ऊपर स्प्रेड करना है। पानी बॉइल्ड हो गया है, इसका जो पानी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा भी 2 से 4 उबाल आ जाएगी तो इसको गैस को बंद कर देंगे, तब तक हमारे ढोकले भी वहाँ रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है फूड इज रेडी, इसको खोल लेंगे और ये हमारे ढोकले इंस्टेंट ढोकले तैयार। इसको ठंडा होने देंगे पूरी तरह से, उसके बाद में हम तड़का डालेंगे इसके ऊपर। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और अच्छा स्पंज आया है, इसको बीच बीच में इस तरह से कर देंगे और पूरा फैला देंगे पानी को इस तरह से। धीरे धीरे ये पूरे जो ढोकले हैं ये पी जाएंगे पानी को। अब इसको धीरे धीरे स्क्वायर में काट लेंगे। अगर आप गरम में काटेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए ठंडा होने का इंतज़ार करना है। और इस तरह से मैं इसको स्क्वायर में काट रही हूँ ताकि जितना ऊपर जो तड़के का पानी है और अच्छे से ये बेसन पी लें। ये हमारे एकदम बढ़िया हरी मिर्ची वाले चटपटे ढोकले तैयार हो गए हैं। मानसून में इसका मज़ा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।